सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं काकोरी शहीद स्मारक, और जहाँ पे फाइनली मतलब मेन हम लोग पहुंच चुके हैं काकोरी शहीद स्मारक, और जहाँ पे फाइनली मतलब मेन जहाँ पर काकोरी कांड हुआ था वहाँ पर आए हैं हम लोग, और आज ये जगह हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं मज़ा आएगा। तो ये है उस टाइम जो काकोरी कांड हुआ था, उसका एक पत्थर पे खुदा हुआ सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं कि उस टाइम में क्या क्या हुआ था और किन किन लोगों ने उसमें भाग लिया था और किसने क्या किया था, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल से दी गई हैं। भैया जी थोड़ा सा मतलब हमारे छोटे भाई हैं, वो थोड़ा जोश में आ गए थे, और ये देखिए ये जोश जोश में पहुंच गए हैं अपना प्रवचन बोलो स्टार्ट करने। रख दो कोई दिक्कत नहीं। जो आगे आगे ज़्यादा आगे देर चल नहीं आगे पाए। तो अब ये हमारी बारी, और हम भी चल रहे हैं अपना प्रदर्शन करने, और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक और शेयर करें, अगर वीडियो ना पसंद है तो डिसलाइक करें। ओके सेमिनार जैसा पूरा सारा माहौल बना हुआ है एकदम, मतलब यहाँ पे अगर पढ़ाने के लिए या मुझे लग रहा है वहाँ पर जैसे ही हमने एंट्री की तो वहाँ पर एक
पत्थर का जिस पे लिखा हुआ है, खुदा हुआ है कि ऐसा ऐसा हुआ था उस टाइम में, तो वो चीज़ें यहाँ पर चलचित्र के माध्यम से दिखाने के लिए आपको यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है और पूरा सेमिनार टाइप का बना हुआ है यहाँ पर, ताकि लोग आए और देखें। हम लोग अब आ चुके हैं जो ये शहीद स्मारक बना है इसके मेन जो देखने वाली जगह है वहाँ पर, और यहाँ पर है शहीदों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जहाँ है अमर शहीद राजेंद्र लिहिड़ी जी की। और ये सारी जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, इन सभी को उम्र कैद या 4-5 साल या 10 साल की सज़ा हुई थी। दूसरी जो मूर्ति है वो अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की है, जो कि आपको दिख रही है सामने। और फिर से वही इन लोगों की जो तस्वीरें लगी हुई हैं, इनको उम्र कैद दी गई थी। ये तीसरे हैं अमर शहीद रोशन सिंह जी, जिनकी मूर्ति बनी हुई है, और ये सभी आपके जिनको उम्र कैद या फांसी दी गई थी, उम्र कैद दी गई थी। और ये हैं हमारे सबके चहेते अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। और इसके बाद और यहाँ पर हमें बताया गया कि 17 दिसंबर और 19 दिसंबर को मेला भी लगता है। और ये हमारे लास्ट हैं अमर शहीद अशफाक उल्ला खान, और यहाँ पर 26 जनवरी को CRPF वाले भी आते हैं और वो बैंड बाजा और अपना धुन प्रदर्शन करते हैं, तो आप 26 जनवरी को जाना ना भूलें। ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, मतलब अगर यहाँ पर जो रोशनी है, रोशनी आने के लिए ये जो जगह बनी है ये बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर मतलब पूरी दिन भर रोशनी रहती है और पूरा फर्श एकदम ठंडा ही रहता है यहाँ पर, ये देखें। और ये वो जगह है जहाँ पर काकोरी कांड हुआ था। मेन जो कांड हुआ था वो इसी रेलवे लाइन पर हुआ था, और उस टाइम में जब काकोरी की ट्रेन रोक कर जो उसको लूटा गया था, तो यहीं पे कांड हुआ था वो। ये देखिए, यही वो रेलवे ट्रैक है। पकड़ो, निकाले इसको। ये हमारा हेलमेट चला गया अंदर और हम इसको जा रहे हैं निकालने। कैसे निकलेगा? निकल गया भाई।